ज्ञापन भी दिया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में हैं, ममता बनर्जी खुद भी दिल्ली आ चुके हैं और 24 नवंबर को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, कोलकाता, दिल्ली और आसनसोल की तस्वीरें। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। आपको बता दें, दरअसल टीएमसी नेता शायनी घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। टीएमसी सांसदों ने कल इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के बाहर धरना दिया था और ये सिलसिला देखिए अलग अलग जगहों पर भी चल रहा है, कोलकाता, दिल्ली और आसनसोल, जहां पर लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए आज इसी को लेकर जो प्रदर्शन है वो भी हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी को मिलना भी है। वहीं देखिए त्रिपुरा की घटना पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में टीएमसी नेताओं ने की है घेराबंदी और इसी को लेकर सड़कों पर बैठे हुए, जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वहीं टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी दिल्ली पहुंचे हैं, ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है। टीएमसी सांसदों ने कल इस मुद्दे पर आपको बता दें गृह मंत्रालय के बाहर धरना दिया था और अमित शाह से मिलकर ज्ञापन भी सौंप दिया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी जैसा हमने बताया दिल्ली में मौजूद है। गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी नेताओं ने जो धरना दिया वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात ममता बनर्जी को करनी है। तो त्रिपुरा पुलिस पर ज्यादति का आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है साजिश का आरोप। बीजेपी ने कहा कि बाहरी लोग त्रिपुरा में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 20 नवंबर से इस विवाद की शुरुआत आपको बता दें हुई विप्लव देव की सभा के बाहर नारेबाजी होती है। ये किस तरीके से पूरी घटना चली वो हम आपको बता रहे हैं। शायनी घोष पर नारेबाजी और पथराव का आरोप लगता है और उसके बाद आपको बता दें पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया और फिर अगरतला में शायनी घोष की गिरफ्तारी होती है। अभिषेक बनर्जी दिल्ली में, ममता बनर्जी दिल्ली में है। कल शायनी घोष को जमानत आपको मिली थी उनको बता दें आपको, ये थाने में टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उन पर पिटाई का आरोप भी था। Where is the National Human Rights Commission or the other Human Rights Commission or the Human Rights or the Home Ministry or the 355? How many notices has been sent by the government of India to Tripura? They don't care the people. They don't care the constitution. Their only obligation to cheat the people. So they will be defeated ultimately. यहाँ से जिस प्रकार की हिंसा को वहाँ लेके जाया जा रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव और बंगाल की जो राजनीति और इस परिस्थिति बनी है पूरा देश को जानता है और उसी प्रकार बात करते हैं, वहाँ जाके लोगों को धमकी दे रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। जो आज जेल में उनकी फेसबुक लाइव आप सुनिए, वो क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे उनके ऊपर सारे आम हजारों लोग आक्रमण किया, गाड़ी तोड़ा, मारा, पीटा, मेरे ऊपर 10 बार ऐसा अटैक हुआ है, तो वो वहाँ भी इस प्रकार करना चाहते हैं। तो हिंसा की राजनीति बंगाल से बाहर लेके जाने इनकी जो मंसूबा है, मुझे लगता है कि वहाँ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कल के शायनी घोष के अरेस्ट करे छे केनो रास्ता है जेते जेते बोले छे खेला होबे। अरे आपनार प्रधानमंत्री बांगला एसे खेला होबे बोले छे, आमार प्रधानमंत्री, आपनारो प्रधानमंत्री, आमारो प्रधानमंत्री, किन्तु आपनार नेता आमार नेता ना। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলা এসে খেলা হবে বলেছে, বিজেপির যত বহিরাগত নেতা মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট সব বাংলা এসছে আর কি বলেছে খেলা হবে, তাহলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে না কেন? जब से ये लोग आना शुरू किया तब से तोड़फोड़, इन लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू किया और बंगाल के हर कोई जानता है, जिनके पास खबर रहता है, हमारे पास भी खबर है, तस्वीरें भी है, जानकारी भी है कि बंगाल से इनके जैसे डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से भर भर के लोगों को लिया जा रहा है त्रिपुरा, वहां जाकर इनको छोड़ दिया जा रहा है और तमाम गुंडे जो हैं इनके अंडर में जो लोग गुंडे हैं, ये गुंडे को सारे त्रिपुरा जाकर अराजकता फैलने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं।